नमस्कार, मैं हूं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं यूबीबी न्यूज़। आज शाहरुख खान की मूवी जीरो रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी दिनों से उनके करियर पे ग्रैंड लगा हुआ था और आज उनकी मूवी रिलीज़ हो गई है। उनका इसमें एक डायलॉग है, हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसकी दुनिया बदल देते हैं। तो देखते हैं ये मूवी उनकी कितनी दुनिया बदलती है। आखिरकार इन्होंने उसमें सलमान खान को भी लिया है। इसमें सारी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए थी हिट कराने के लिए, सारी इसमें वो चीज़ें हैं। डायरेक्टर इसमें आनंद एल राय हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी रोमांटिक मूवीज़ बनाई हैं, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न और रांझना। तो आइए देखेंगे, जानेंगे दर्शकों की ज़बानी कि ये ज़ीरो मूवी आखिर ज़ीरो रही या हीरो रही। तो आइए जानेंगे दर्शकों की ज़बानी। जैसा कि देख सकते हैं शाहरुख खान की मूवी इतने दिनों बाद लगी है, दर्शकों में इतना हर्षोल्लास है। सारे उन्होंने जो शाहरुख खान ने मूवी में कपड़े पहने हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं दर्शक पहन के, तो उन्हीं से बात करेंगे। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया मूवी है जी। मतलब कितने स्टार देंगे? स्टार्स तो अब हम स्टार्स क्या दे, हम क्रिटिक्स नहीं है, हम तो फैन है, हम तो अच्छी बताएंगे। बाकी हम पब्लिक को बोलना चाहते हैं मूवी आए थिएटर में जरूर देखे। आप सलमान खान के फैन है? हम शाहरुख खान के फैन है, सलमान खान के फैन है। कितने स्टार देंगे? बहुत अच्छी म्यूजिक, इमोशनल भी है, ड्रामा भी है। कटरीना कैफ के बारे में? कटरीना कैफ मस्त, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, और सलमान खान जब स्क्रीन पर आते क्या लगता है, शाहरुख खान छोटे रह गए उनके सामने? नहीं नहीं, छोटे नहीं रहे, वो तो हाइट ही छोटी थी उनकी, स्टैंडर्ड शाहरुख खान का बड़ा। जी स्टार अगर 100 में से 100 तो 100 में से 1000 में से 1000 और बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट ये है कि क्या चेक कहेंगे, देखनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, घर पे मत बैठो, बिल्कुल आइए देखिए, पैसा वसूल, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, फैमिली मूवी है, फैमिली मूवी है, बिल्कुल फैमिली मूवी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा नहीं है। फैमिली के साथ आइए देखिए। अनुष्का शर्मा ने इसमें फिजिकली चैलेंजिंग रोल है, बढ़िया एक्टिंग करी है, एक नंबर। पहली बात तो शाहरुख और अनुष्का दोनों के लिए एक चैलेंजिंग रोल था। शाहरुख खान को VFX के जरिए छोटा दिखाया गया, तो क्या लगता है कि कैसा VFX है? आप बहुत बढ़िया VFX है, एक्सपीरियंस देखो, VFX आप 1% भी कहीं पे कमी नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि मूवी में कि आप एक बार देखो 100 बार देखो कमी तो आप निकाल नहीं सकते VFX में। आप नोट कर सकते हो कि उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि वो शाहरुख खान है, वो आपको यही लगेगा हाँ वो बोना ही बंदा है। क्या लगता है शाहरुख खान का करियर वापस पटरी पे आएगा इस फिल्म के बाद? पहली बात तो शाहरुख सिर्फ नाम ही काफी है, उनको पटरी पे आने की जरूरत नहीं है, वो 4 साल बाद लौट के आया वापस, आग लगा देगा शाहरुख। सर मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि शाहरुख का नाई करियर पहले डूबा था, जो लोग कहते हैं वो एक बार ये मूवी देख ले वो समझ जाएंगे शाहरुख शाहरुख ही है। सर जी, सर मुझे जहाँ तक 5 में, सर मैं 5.5 दूंगा। जी सर, दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर मूवी देखें, जरूर एक बार आए, फुल ऑन ट्रेनिंग है, सब कुछ जो आप एक मूवी में चाहते हैं वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, सब कुछ सॉन्ग्स है, सब कुछ है। भाई अब स्टार पूछी याद हो, सारे स्टार तो उन्होंने थिएटर में तोड़ दिए, हम क्या देंगे? अच्छा, तो क्या फिर भी आप कितने देंगे स्टार? 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कौन सी मूवी देखी आपने? सर जीरो देख के आ रहा हूँ मैं अभी। कैसी मूवी लगी? सर फर्स्ट हाफ तो अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ में सर पूरी फिल्म से खराब कर दी गई और एक हाफ बेक स्क्रिप्ट तरह ही मूवी लगी। इसमें जो शाहरुख खान को VFX के जरिए छोटा करके दिखाया गया, तो कैसे लग रहे हैं वो? शाहरुख खान सर बहुत अच्छे लगे, उनकी सर एक्टिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, लेकिन सर वो स्क्रिप्ट की कमी रही। स्क्रिप्ट की कमी रही? जी सर। आनंद एल राय इसके डायरेक्टर है, तन्नू वेड्स मन्नू रांझना, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, ये सारी रोमांटिक सर उनके मूवीज बनाई। जी सर। तो ऐसा कुछ जादू वापस वो क्रिएट कर पाए स्क्रीन? नहीं सर, दोबारा जादू क्रिएट नहीं कर पाए। म्यूजिक कैसा है? अजय अतुल का है म्यूजिक बहुत अच्छा है। कितने स्टार देंगे आप मूवी को? सर मैं सर 2 स्टार देना चाहूंगा। 5 में से 2 स्टार? जी सर। सर मुझे मूवी बहुत बढ़िया लगी एकदम। कितने स्टार देंगे? सर मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। शाहरुख खान की एक्टिंग? शाहरुख खान की एक्टिंग एकदम जबरदस्त। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी लगातार, तो क्या लगता है इस फिल्म से वापस आएगा उनका करियर? वापस आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके सर, सर आप मूवी सुपर हिट जी, भाई का गाना सुपर डुपर हिट। अच्छा। भाई 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 और शाहरुख ने दिखा दिया कि रणबीर रणबीर कहीं नहीं है। मैं 5 में से 5 स्टार और गाने को 10 स्टार।
5 स्टार बेस्ट मूवी एवर। इसमें वो बहुआ झांकी शाहरुख खान हमारे तो बेस्ट है। मूवी को 4 स्टार्स और वैसे मतलब ओवरऑल स्टार कास्ट जो था और सब कुछ बहुत अच्छा, डायरेक्शन बेस्ट आनंद एल राय थैंक यू फॉर दिस, आई अप्रिशिएट व्हाटएवर यू हैव डन एंड इनफैक्ट बेस्ट एक्टिंग गोज टू अनुष्का शर्मा डेफिनेटली। बेस्ट एक्टिंग मतलब द वे शी पोर्ट्रेट द कैरेक्टर दैट वाज फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट द शाहरुख खान? शाहरुख खान इज जस्ट फिनोमिनल, ही इज जस्ट फ्लॉलेस लाइक एवरी टाइम, आई मीन इट वाज अमेजिंग। 4 स्टार हाउ मेनी स्टार यू विल गिव? 4.5 मैक्सिमम। किसकी एक्टिंग बेस्ट लगी? बहुआ सिंह। सलमान खान को एक गाने में लिया गया तो क्या रहा उनका इंपैक्ट? वो इसका इंपैक्ट क्रिएट भाई रॉक है, बहुत ही बढ़िया। शाहरुख खान की कोई मदद कर पाएंगे सलमान खान इस फिल्म में? नॉट मच, बट बहुआ सिंह ही बहुत काफी है, वो तो अकेला ही काफी है। 5 में से 5 स्टार जी। एक नंबर। कितने में से? 5 में से 5 स्टार। शाहरुख खान की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, क्या लगता है ये वापस? ये ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक देखने की चीज है। 5 में से 10 एक नंबर पिक्चर। शाहरुख खान और अनुष्का शाहरुख, बहुआ सिंह का एटीट्यूड इतना जबरदस्त दिखाया ना यार, दिल्ली में टोरा चलने वाला है उसके दशन का। स्टार तो 5 में से 5 बस कैटरीना कैफ को मत लो अगली बार से। कैटरीना कैफ की एक्टिंग कैसी? बेकार, बिल्कुल बेकार। अनुष्का शर्मा बेस्ट थी, नंबर 1। ने इसमें फिजिकली चैलेंज्ड का रोल किया तो कैसा उन्होंने अपना रोल को जो है जस्टिफाई करा? बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा करा। आनंद एल राय का डायरेक्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया और उसमें बहुआ सिंह की एक्टिंग बिल्कुल लाजवाब। 5 में से 5 सर कौन सी मूवी देखी है? सर अभी देखी हमने 0। कैसे अच्छी लगी? बहुत जबरदस्त मूवी है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैसेज कुछ देती है? मैसेज देती है कि मैसेज ये दिया है कि कैसे जो है ना एक डिसेबल पर्सन को भी कैसे बोने जो लोग होते हैं उनको भी जो है ना कि भेदभाव नहीं करते लोगों के साथ ना। तो रोमांटिक है या कॉमेडी मूवी? ये रोमांटिक भी है, साथ में एक सोशल मैसेज भी देती है साथ में मूवी, और मैं इस मूवी को 5 स्टार देना चाहूंगा। और क्या क्या होगी देखनी चाहिए? ये देखनी चाहिए, मस्त मूवी, ये 1 टाइम वॉच नहीं है, बहुत बार देखो मूवी, बहुत जबरदस्त मूवी है। सलमान खान का एज ए गेस्ट अपीयरेंस रोल था, कैमियो था जो उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। म्यूजिक बहुत जबरदस्त था, बहुत गाने जो है ना सिचुएशन के हिसाब से बहुत सूट करे हैं गाने। कितने स्टार देंगे? मैं 5 स्टार दूंगा। अगर दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे तो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है और मैं शाहरुख भाई की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखता हूँ, बहुत अच्छी मूवी लगती है। ये भाई भी हमारे आए हैं। आप कितने स्टार देंगे? मैं 3.5 मूवी बढ़िया है पर कहीं पे लॉजिक खो देती है मूवी। मैं 5 स्टार देना चाहूंगा भाई, सबसे अच्छा मूवी शाहरुख भाई और अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा कटरीना कैफ की कैसी एक्टिंग है? कटरीना कैफ की है कोई खास नहीं, लेकिन शाहरुख भाई और अनुष्का शर्मा की बहुत अच्छी लगी। सलमान खान जब आते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा धमाल हो गया तो भाई कोई मैसेज देती है? ये मैसेज, ये मूवी देखना चाहिए, बहुत साइंटिफिक भी है और रोमांस भी है, मतलब ऑल इन वन। बिल्कुल शाहरुख खान का इस मूवी में बहुआ सिंह का कैरेक्टर है, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं उन्हीं की वेशभूषा में आ रखे हैं, उन्हीं की तरह उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। इनफैक्ट शाहरुख खान की टी शर्ट का उनके पास लोगो भी है, 0 मूवी की उन्होंने प्रिंट करा रखी है, आप देख सकते हैं। सामने इनके क्लब का नाम है SRK दिल्ली। शाहरुख खान के फैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनके टी शर्ट्स पे शाहरुख खान की फोटो बनी हुई है, तो आइए देखेंगे कि आखिर इनकी टी शर्ट्स पे क्या है। एक बार भैया आप अपनी सारी टी शर्ट्स दिखाइए, सारे हाँ तो एक बारी बैक घूमो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा शाहरुख खान का जो मूवी में डायलॉग है हम जिसके पीछे लग जाते हैं लाइव बना देते हैं उन्हीं का इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है। अब आगे घूमिए एक बारी, तो अब मैं अब इनसे कहूँगा जितने भी इनके फैंस हैं, एक शाहरुख खान का पोज तो बनता ही है, क्यों बनता नहीं बनता एक शाहरुख खान का पोज? तो ये शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज मारते हुए ये उनके सारे फैंस। एक बारी जो शाहरुख खान का डायलॉग है एक बारी आप सारे बोल के दिखाएंगे, हम जिसके पीछे लग जाते हैं लाइव बना देते हैं। तो शाहरुख खान की लाइव बनेगी इस मूवी के बाद 100% उसकी लाइव बनी है। हम जैसे लोंडो से देखते देखते नहीं बहन जी, हम जैसे लोंडो से देख के प्यार नहीं होता बहन जी, देखते देखते हो जाता है।
हमने सारे दर्शकों से पूछा कि कैसी मूवी है। शाहरुख खान के जितने भी फैंस थे जो फैन मूवी में उनसे नाराज हुए थे, इस मूवी में शाहरुख खान ने वापस जो उनका जादू है वापस क्रिएट करा है। उनके सारे फैंस आज खुश होके गए हैं। उनके एक फैन की पूरी आर्मी आ रखी थी, उनसे पूछा कि आखिर कैसी मूवी लगी। सबका कहना था कि जो पहले वाले शाहरुख खान थे उनका जादू वापस कायम हो गया है। बाकी के अब जितने दर्शकों को आने वाले में देखेंगे टाइम में कि दर्शकों को कितनी मूवी पसंद आती है कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मैं उज्जवल कुमार, UBB न्यूज़, दरियागंज।